माफी चाहता हूँ मिस, आपकी नींद खराब की पर हम पहुँच गए हैं। हिलशायर का घर आपके सामने है। एयरपोर्ट से आपको लेने में मैंने थोड़ी देरी कर दी, उसके लिए माफी चाहूंगा। ये तो बिल्कुल किसी कहानी जैसा लगता है। आप पैसे मत दीजिए, उन्होंने दे दिए हैं। मैं सामान अंदर रखवा देता हूँ। थैंक्स। क्या ऊपर कोई है? हे यहाँ कोई है? नहीं चाहता था। नहीं, आई एम सॉरी, मुझे लगा यहाँ ऊपर कोई था तो मैं बस तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी, मैं ठीक हूँ। क्या आप मिस्टर हिलशे हैं? नहीं, मैं, मुझे पता है आप नहीं हैं। मैं ग्रोसरी बॉय हूँ, या ग्रोसरी मैन, आई डोंट नो क्या हूँ मैं, पर मैं मालकम हूँ। तुम यहाँ नौकरी के लिए आई हो क्या? या ग्रेटा एवंस। मुझे दरअसल ग्रोसरी अनपैक करनी है, तो क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगी? वैसे मैं ढेर सारी खुफिया जगह दिखा सकता हूँ तुम्हें इस घर की, यहाँ की पेंट्री, यहाँ का बेडरूम और भी बहुत कुछ। साउंड्स ग्रेट, जरूर देखना चाहूंगी। तुम अमेरिकन हो ना? हाँ, मैं यहाँ यूके पहली बार आई हूँ। अच्छा, जरा गेस करते हैं। कैलिफोर्निया, राइट? मोंटाना। यहाँ रख दूँ? हाँ, उसे वहां रख दो। जानती हूँ मैं किसी के बारे में कुछ भी जान सकता हूँ, मेरे पास ये गिफ्ट है। कैसा गिफ्ट? तो भी सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मेरी ग्रैनी जो थी वो चाय की पत्ती से भविष्य बताती थी, और मेरी माँ हाथ देखकर। और तुम किससे बताते हो? मैं? हाँ, तुम? च्युइंगम। मजाक। अरे यकीन करो, सच कह रहा हूँ मैं। चलो मेरे हाथ पे च्युइंगम रखो, शर्मा मत। च्युइंगम तुम्हें? हाँ, मैं च्युइंगम पढ़ सकता हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल, ट्रस्ट मी। ओके, ओह माय गॉड। ऑलराइट, ओके। तुम्हारे दांतों के निशान ये बताते हैं कि तुम एक राइटर हो और फीनिक्स मोंटाना से आई हो, और अमेरिका के शोर शराबे को छोड़कर यहाँ के सन्नाटे में आके एक शानदार नॉवल लिखने का प्लान बना रही हो, और यही तुम्हारा मकसद है, क्यों? ठीक है? नहीं, करीब है। ऐसा तो नहीं है। नो, ओके, एक और ट्राई करते हैं। ओके, फिर से। ओके, ओके, अब बात मेरी समझ में आ रही है धीरे धीरे। तुम्हारा एक बुरा अतीत रहा है और तुम किसी से भाग रही हो।
देख के तो ये लगता है। लाओ मैं फेंक दूँ। I'm sorry, लगता है तुम पर मेरा जाम नहीं चलने वाला, पर मेरे यहाँ पर लड़कियां मरती हैं मेरी बातें सुनकर। खैर कोई बात नहीं, मेरा तो आना जाना लगा ही रहता है यहाँ पे, तो मौके और मिलेंगे। ब्रेड? हाँ वहां रख देना। तो तुम यहाँ की फैमिली के बारे में कुछ बताओ। हाँ यहाँ के सभी लोग अच्छे हैं और नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत कम लोग मिलते हैं आजकल ऐसे। और उनका बेटा ब्राह्म्स? ब्राह्म्स वो थोड़ा मैं कैसे बताऊं तुम्हें ये कि मिसेस हर्ष, फाइनली आपसे मिलने का मौका मिला। तुम्हारे जूते कहाँ हैं? ब्राह्म्स तुमसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है, वो पहले कभी किसी अमेरिकन से नहीं मिला। हाँ मैं भी उसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे याद है मैंने अपने शूज यहीं उतारे थे। शायद ऊपर हो, ब्राह्म्स शरारती है, उसने छुपाए हो, मिल जाएंगे तुम्हारे जूते। जल्दी करो, काफी देर से वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। okay. उनका नाम मिस एवंस है, और देखो तुम आज कोई शरारत मत करना, वैसे तुम काफी स्मार्ट लग रहे हो, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। सुनो मिस एवंस, ये है मेरे हस्बैंड मिस्टर हिलशेयर। मिस एवंस। और ये है हमारा बेटा ब्राह्म्स। तो मुलाकात हो गई ब्राह्म्स से? हाँ कैसे हो शरारती बच्चे ब्राह्म्स? हाँ देखो मिस एवंस को बिल्कुल तंग मत करना, बहुत दूर से आई हैं सिर्फ तुम्हारी खातिर, तुमसे मिलने के लिए। तो मुझे इजाजत दीजिए आप लोग। अच्छा लगा आपसे मिलकर, अगली बार मुलाकात होती है। थैंक यू मेलकम। बेशक। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा ब्राह्म्स, उम्मीद है हम अच्छे दोस्त बनेंगे। सुनिए आप मिस एवंस का सामान उनके कमरे में रखवा दें। मिस एवंस मैं तुम्हें यहाँ का सारा काम समझा देती हूँ, तुम यहाँ अकेली रहोगी तो सब कुछ संभाल लोगी ना? जी हाँ बिल्कुल। वैसे पहले भी यहाँ काफी केयर टेकर्स आई थी, ब्राह्म्स ने सबको रिजेक्ट कर दिया, पर तुम उन सबसे ज्यादा खूबसूरत हो और काफी यंग हो, तो तुम्हें वो ब्राह्म्स के सुबह उठने का टाइम 7 बजे का और तुम्हें उसे तैयार करना है। ओके। वहां इसके सारे धुले हुए कपड़े रखे हैं। तो मैं ट्राई करूं? हाँ क्यों नहीं, मैं देखना चाहूंगी ताकि बाद में हमें ब्राह्म्स की कोई फिक्र ना रहे। उठ जाओ ब्राह्म्स। इतने प्यार से जगाओगी तो ये कल तक भी नहीं उठेगा। उठने का टाइम हो गया ब्राह्म्स। ये कोई दूध पीता बच्चा नहीं है मिस एवंस, तुम थोड़ा सख्ती से पेश आ सकती हो। मैं इसके कपड़े चेंज। जरा हटो तो। अब मैं दिखाती हूँ मिस एवंस को कि हमारा प्यारा ब्राह्म्स कैसे रेडी होता है। मैं उसे ये करने देती पर तुम बहुत शरारती हो। ब्राह्म्स की रोज 3 घंटे की क्लास होती है, मैं इसे पहले कुछ पोएट्री पढ़ाती हूँ, क्या तुम्हें कोई पोएट्री याद है? मुझे बच्चों की पोइम्स आती हैं। वेल उनकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इनमें से कोई भी बुक पढ़ा सकती हो, बट यू मस्ट रीड इन अ लाउड क्लियर वॉइस। जी हाँ बिल्कुल। यस ऑफ कोर्स। एक्सेलेंट। नेक्स्ट तुम्हें इसे म्यूजिक सिखाना होगा। ओ ब्राह्म्स तुम्हें हमेशा सीधे बैठना चाहिए,
Like a good little boy. Music, Miss Evans. तुम्हें बता दूं कि ब्राह्म्स म्यूजिक के बिना नहीं रह सकता. म्यूजिक उसकी जान है. उसे लाउड म्यूजिक सुनना पसंद है, जो कि मुझे नहीं. उसे ऐसे खुशी मिलती है और मैं उसे ये खुशी छीन नहीं सकती. हमारे घर में खाना बाहर फेंकने की सख्त मनाही है मिस एवंस. तुम्हें पता है कि इससे क्या होता है? नहीं. इससे ये होगा कि बाहर कचरा इकट्ठा होता जाएगा और उससे कीड़े, चूहे और कॉकरोच पैदा हो जाएंगे. और जब चूहे घर में घुस जाते हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है. ये सावधानी बस इसीलिए है. मेरा बच्चा आ गया. बाकी का काम तुम्हें मिस्टर हिलशेयर समझा देंगे. खाने को तुम्हें यहाँ रखना है. थैंक यू. अब मैं तुम्हें ट्रैप्स दिखाता हूँ. हमने अपने घर को बहुत संभाल कर रखा और तुमसे भी यही उम्मीद है. आग का इस्तेमाल मत करना, थोड़ा रिस्की है. और एक बात का ख्याल रखना कि घर की खिड़कियां अच्छी तरह बंद रहे, वरना चूहे घर में आ सकते हैं. अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये सब कुछ करना जरूरी नहीं लगता, पर मिसेज हिलशेयर का कहना है कि तुम्हें सब समझा दूं ताकि बाद में ना तुम्हें कोई दिक्कत हो ना ही ब्राह्म्स को. वो बहुत डरता है. तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा. मैं जानता हूँ मिस एवंस, ये सब आपके लिए बहुत अजीब होगा, पर हमें इसकी आदत पड़ चुकी है और धीरे धीरे आप भी इस माहौल में ढल जाएंगी और उसके बाद आपको अच्छा लगने लगेगा. दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लोग चाहे बाहर जो भी कहें, पर हमारा बेटा यही है. वो हर पल हमारे साथ है. तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जी. गुड. ओह गुड, दैट्स वेरी गुड. भगवान आप बहुत ही कोमल हृदय वाले और उदार हो. मैं सदैव आपके रास्ते पर चलूंगा. मेरे मम्मी पापा को हमेशा साथ रखना. गॉड ब्लेस मम्मी. गॉड ब्लेस डैडी. गॉड ब्लेस ग्रेटा. गॉड ब्लेस मी. आमीन. आमीन. आज तुमने बिल्कुल भी शरारत नहीं की और अच्छे बच्चों की तरह रहे. मम्मी सो प्राउड ऑफ यू. तुम बाहर इंतजार करो, हमें ब्राह्म से अकेले में बात करनी है. जी बिल्कुल. ब्राह्म, हमें तुमसे कुछ बात करनी है. देखो ब्राह्म, ग्रेटा बहुत अच्छी है. हमने उसका नेचर देखा है. वो तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी. वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगी. He wants you, Miss Evans. उसने तुम्हें चुना है और वो बहुत खुश है. यह सच कहूं तो सब कुछ बहुत ही अजीब है. इतने बड़े घर में मैं अकेली हूँ. यहाँ कोई पड़ोसी नहीं है. मैं खिड़कियाँ तक नहीं खोल सकती. सेलफोन नहीं, वाईफाई नहीं. जैसा तुम चाहती थी तुम्हें बिल्कुल वैसी ही जगह मिली है. The situation is perfect for you. बिना काम के पैसे लेना थोड़ा. नहीं, वो तुम्हें अपने बच्चे की देखभाल के लिए पे कर रहे हैं. बहुत अजीब तरीके से बात करते हैं. मैं जानती हूँ, पर कुछ ही दिनों की तो बात है. तुम संभाल सकती हो. सांझी, मैं ये ज्यादा दिनों तक नहीं झेल पाऊंगी. क्यों ग्रेटा, तुम सब कुछ भूल जाओ और बस काम पर ध्यान दो, समझी? उसके बाद सब ठीक हो जाएगा. ठीक है. क्या वो कोल, उसने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं. वो घर तक आ गया है और उसने मॉर्गन को धमकी भी दी है. तुमने कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया और ना ही बताऊंगी. उसे तो कोर्ट के ऑर्डर की भी परवाह नहीं है. ओके, देखो उससे उलझना मत. ओके. और अगर वो मेरे बारे में कुछ पूछे तो मत बताना उसे. मैं जानती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो.
किया, तुम अपनी शरारतें बंद क्यों नहीं करते? रुको, तुम्हारे डैडी को बताती हूँ अभी। पता नहीं क्यों नहीं समझते हो तुम कोई बात, हमें कहीं जाना है। यू हैव टू बी अ गुड बॉय, तुमने प्रॉमिस किया था। इस सब के लिए माफी चाहता हूँ मिस एवंस, दरअसल हमने इसे कभी अकेला नहीं छोड़ा, शायद इसीलिए ज्यादा बेचैन है। खैर आप जल्दी ब्राउंस के साथ घुल मिल जाएंगी, काश हमारे पास टाइम होता तो मैं आपको उसके बारे में बताता, मैं आपको बताता कि वो कैसे गुस्सा करता है, क्योंकि हमारा बेटा दूसरों से बिल्कुल अलग है। मुझे उम्मीद है आप सब कुछ संभाल लेंगी, मुझे यकीन है। ओ मैं कुछ लाया हूँ आपके लिए, इससे आपको मदद मिलेगी। स्केड्यूल रूल्स जिसे मिसेज हिलशियर ने खास आपके लिए तैयार किया है, आपको भले ही अजीब लगे पर ये सारे रूल्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ब्राह्मण दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं है, वो थोड़ा जिद्दी है, शायद उसे हमारे प्यार की आदत पड़ चुकी है और यही बात मुझे बहुत परेशान करती है। गाड़ी तैयार है, चलो। मेलकम हफ्ते भर की ग्रोसरी दे जाया करेगा और आपकी पेमेंट भी, मुझे यकीन है आप सब संभाल लेंगी। बाकी मेलकम से पूछ सकती हैं। मुझे माफ करना मिस एवंस, आज मेरा मूड सरा, हमने पहले कभी अपने ब्राह्मण को ऐसे अकेला नहीं छोड़ा। अगर तुम इसका ध्यान रखोगी तो ये तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेगा। ये रखेगी, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगी ना? जी हाँ, आप बेफिक्र होकर जाइए। सॉरी। चलो चलो जल्दी करो, चलने का टाइम हो गया है। सॉरी ब्राह्मस, मैं और नहीं झेल सकती।
ओह गॉड, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। Sandy, leave a message. Thank you. Hey, Greta बोल रही हूँ। सुनो, free होकर मुझे call करना और कुछ magazines भी भेज देना please। चाहे वो actually कैसे भी चलेंगी। Okay. Hello, Sandy. Cool. लिफ्ट चाहिए क्या? तो ये सारा खाना वेस्ट होता है? नहीं, सारा नहीं। मिस्टर हीलचेयर तो पुराना खाना खा भी लेते हैं, लेकिन उनकी बीवी जरा सी स्ट्रिक्ट है खाने को लेकर। तुम पहले भी बता सकते थे। तुम्हारे लिए सरप्राइज था। थैंक्स। ओह, अब सरप्राइज की बात चली है तो ये पहले हफ्ते की सैलरी है। गुड जॉब, वेल डन। थैंक यू। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ, मैं अभी तक सिंगल हूँ। देखकर कहना मुश्किल लगता है, लेकिन ब्राह्म्स के बारे में जानना चाहती हो ना? हाँ। उसका 8वां बर्थडे था, उस दिन उनके घर में आग लग गई। ये बहुत भयानक हादसा था और उस आग में ब्राह्म्स बच नहीं पाया। अब ये पुतला ही उनके जीने का सहारा है। हालांकि सुनने में अजीब लगता है, मैं जानता हूँ ये बहुत अजीब है, बहुत दुखद है ये। मैं तो सोच ही नहीं सकता कैसा लगता होगा अपने बच्चे को खोते देखना। तो उसे मरे सालों बीत चुके हैं, आज अगर जिंदा होते तो शायद तुम्हारी उम्र का होता, और ये तब से उसका पुतला लिए घूम रहे हैं। और एक साल से वो इसकी केयर टेकर ढूंढ भी रहे थे। इस घर में अकेली रही तो तुम पागल हो जाओगी शायद, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ डेट पर ले जा सकता हूँ। हालांकि ब्राह्म्स को छोड़कर जाना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी पूछा मैंने। शायद तुम एक साइकाइट्रिस्ट भी हो। नहीं तो लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मुझे लगता है हमें दूर का सोचना चाहिए, हमारी मुलाकातें बढ़ेंगी, तभी बात आगे बढ़ेगी शादी तक, और फिर शादी के बाद बच्चे बच्चे होंगे, और अगर उसमें देरी हुई तो मुझे अपने दादा बनने की उम्र में बाप बनना पड़ जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ ज्यादा सोचो मत और हाँ कह दो, बता रहा हूँ चले। ओके ठीक है। आज जहाँ पर हम जाने वाले हैं बहुत ही शानदार कैफे है वो, यू विल लव इट। तुम्हारी वीकली पे तो मेरी मंथली इनकम से भी ज्यादा है। उन्होंने तुम्हें कैश पे किया? हाँ, पाउंड्स में। तुम अभी क्या कर रही हो? मैं तैयार हो रही हूँ, मालकम के साथ बाहर जाना है किसी काम से। डेट पर जा रहे हो उसके साथ? नहीं, ये डेट नहीं है, इसे डेट तो नहीं कह सकते, पर ये बस मेरे काम का हिस्सा है और कुछ नहीं। तो फिर ये डेट ही तो हुई ना? वेल, वो मेरे ही साथ काम करता है यार। चलो ठीक है, वैसे पहन क्या रही हो आज? I don't know, समझ में नहीं आ रहा। Let me guess, romantic mood में तुम red wine पी रही हो? हाँ शायद। तो मोहतरमा इसी को डेट पर जाना कहते हैं। चलो अच्छा है तुम बाहर जा रही हो, पर उसके सामने प्रोफेशनल होकर ज्यादा भाव मत खाना। ग्रेटा,
Hey, तुम सुन रही हो? सुन रही हूँ. क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ब्राह्म्स था. ब्राह्म्स? वो एक डॉल है. कौन है वहां? मालकम, अगर ये तुम हो तो ये बहुत गंदा मजाक है. मैं जानती हूं वहां ऊपर कोई है. हेलो, कौन है यहां?
Malcolm! Greta! तो तुम रात भर वहां ऊपर रहोगे? लेकिन मैं तो तुम्हें इससे भी अच्छी जगह ले जाने वाला था। लगता नहीं है कि बरसों से ऊपर कोई गया होगा। फिर तुम्हें क्या दिख गया होगा? ओह, अब समझ आया कि क्यों फंस गई तुम। चलो बाकी जगह देख ले। मैंने घर का कोना कोना छान लिया है, कुछ नहीं मिला, और यहाँ की खिड़कियां मैंने बिल्कुल टाइट बंद कर दी हैं। सब ठीक है, ओके? यहाँ जरूर कोई है मालकम, कुछ भी ऐसे गायब नहीं हो सकता जैसे मेरे कपड़े। देखो, कई लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, लेकिन मुझे नहीं है ये आदत। मैंने सब कुछ चेक कर लिया। वैसे शायद यहाँ ऐसा कोई चोर है जो तुम्हें सोते हुए देखना चाहता है। वो रात भर तुम्हें निहारता है और सुबह होते ही गायब हो जाता है। बैठा, डरने की जरूरत नहीं है। सच में? हाँ बेशक। ओके। पहले खेलती थी क्या? कभी कभी। वैसे तुम गेम पर पैसे लगाना चाहोगे? ओह नो थैंक्स। तो ब्राह्म्स के बारे में कुछ बताओ। अब जो पता था बता दिया तुम्हें। वाओ, बहुत ही सच्चाई से झूठ बोलना आता है तुम्हें। पूछो क्या पूछना चाहती हो। तो कैसा था वो द रियल ब्राह्म्स? देखो ग्रेटा, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, जिसमें एक पहलू सच होता है और दूसरा पहलू झूठ होता है, यू नो। पर सच्चाई
इन दोनों के बीच में कहीं छिपी है। ओके, मैं दोनों जाना चाहती हूँ। पहला ये कि वो बहुत अच्छा लड़का था, बेचारे के साथ हादसा हुआ और उसे दुनिया से रुखसत होना पड़ गया। और दूसरा पहलू क्या है? कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत ही अजीब सा लड़का था वो। और सच क्या है? एक रात मैं यहां सामान छोड़ने के लिए आया था। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि उस रात ब्राम्स का बर्थडे था। मिसेस हिलशायर यहां सिटिंग रूम में बैठी तोहफे खोल रही थी पुतले के साथ, और मिस्टर हिलशायर वहां बैठे थे शैतान बच्चे के पास। बहुत ज्यादा पी रखी थी और बड़बड़ा रहे थे, पता नहीं क्या क्या, शायद ज्यादा चढ़ गई थी उस रात उन्हें। मैंने उन्हें कहा कि मैं जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं रुको, उनको ड्रिंक पीना है मेरे साथ। तो फिर मैंने पिया भी। दो चार ड्रिंक पीने के बाद मैंने उनसे इधर उधर की बातें की और फाइनली हिम्मत जुटाई और उनसे वो सवाल पूछ ही लिया, कौन है ब्राम्स, क्या है उसकी असली कहानी, बताइए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में दर्द नजर आया मुझे। मुझे बुरा लगा मैंने उनसे सवाल किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज कही, शैतान। यही कहा, शैतान, बस यही कहा था। इसके बाद बातें खत्म हो गई और मैं कुछ और जान नहीं पाया उनसे। हम मेरी बारी। हाँ, ग्रेटा तुम रह पाओगी अकेले यहां? हाँ। तो सारे फैमिली फ्रेंड्स उन्हें ये जताते हैं कि वो पुतला उनका मरा हुआ बेटा है, और उन्हें ऐसा करना हमदर्दी लगता है। ऐसा नहीं है, उसे यहाँ आकर घर चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, देखना तुम किसी दिन तुम्हारी आधी रात को आँख खुलेगी और तुम उसे अपने सिरहाने खड़ा हुआ पाओगी। उसने तुम्हारी वही कोरल ड्रेस पहनी होगी और अपनी भूतिया शक्ल लिपस्टिक से रंगी हुई होगी। खैर, तुम्हें वहाँ बहुत संभल कर रहना होगा। तुम्हें बताना था कि कोल घर आया था। मॉर्गन ने बताया कि वो दरवाजा खटखटाता रहा और गिड़गिड़ाता रहा। वो तुम्हें कोई लेटर लिखना चाहता है अपनी सारी गलतियों की माफी के लिए। मॉर्गन ने उसे यहाँ का एड्रेस तो नहीं दिया ना? मॉर्गन अभी बच्चा है, उसे सबके बारे में कुछ नहीं पता, उसने सब बता दिया। I'm sorry. नहीं, ऐसा नहीं है, माफी मुझे मांगनी चाहिए तुम्हें इस सब में उलझाने के लिए। ऐसा मत कहो, हम एक फैमिली है, और हाँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब उसकी वजह से हुआ है, इसमें सारा दोष उसी का है। मैं उस वाहियात इंसान की एक भी चिट्ठी नहीं पढ़ूंगी। देखो, तुम उसे भूल जाओ। कौन है?
कौन बोल रहा है? मुझे नहीं पहचाना, मैं बोल रहा हूँ ग्रेटा। ग्रेटा कौन है तुम? मेरे पास आओ ना। ओह माय गॉड। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? आओ मेरे साथ खेलो। तुम यही चाहते हो ना? ओके। हेलो ग्रेटा, मेलकम बोल रहा हूँ। हे, आज एक बहुत ही अजीब चीज हुई। जब मैं यहाँ आई थी तब मेरे शूज गायब हुए थे और मिसेस हिल्शर ने कहा कि ब्राम ने मेरे शूज लिए हैं। कहा कि वो बहुत शरारती है और उस वक्त मुझे वो मजाक लगा। क्या हुआ ग्रेटा? जूते वूते कुछ समझ नहीं आए? क्या हुआ जूतों के साथ? नहीं, बात मेरे जूतों के बारे में नहीं है। ग्रेटा, तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हारा हाल जानने के लिए मैंने फोन किया। मैं अभी रखती हूँ। ग्रेटा अब हमारे जाने का वक्त आ गया है।
उठ जाओ ब्रांस, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो ब्रांस। छोटा खरगोश शेर के पास आया और उसने बताया कि मुझे आने में इसीलिए देरी हो गई क्योंकि दूसरे शेर ने मुझे घेर लिया था। शेर ने पूछा कितनी दूर रहता है वो, उसने कहा पास ही, अगर ये बात झूठ हुई तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, और ये कहकर वो उसके पीछे चल दिया। और फिर वो दोनों एक कुएं के पास पहुंचे और फिर खरगोश ने कहा महाराज इसी में वो शेर रहता है, अगर आप चाहते हैं तो इस कुएं के अंदर जाकर उस शेर से मिल सकते हैं। आज सब अच्छे से हुआ ना? क्यों ना आज हम इसी की प्रैक्टिस करें ब्राह्मस? हाँ तो तुम पियानो जानती हो? सॉरी मैंने नॉक किया था। इट्स ओके। तुम यहाँ कैसे? तुम फोन नहीं उठा रही थी यार, तो मैंने सोचा कि डिलीवरी के लिए जल्दी चला जाता हूँ, तुमसे मुलाकात हो जाएगी इस बहाने, अगर अच्छा नहीं लगा तो चला जाता हूँ। नो दैट्स ओके, तुम्हें यहाँ अचानक देखकर बस मैं। हर कोई नहीं, ये चिट्ठियां बाहर से लाया था मैं। वैसे तुम ठीक हो ना? हाँ, वहां रख दो। लगता है ब्राह्म से अच्छी दोस्ती हो गई है तुम्हारी। हाँ हाँ, वैसे मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग अपनी डेट प्लान कर लें, आज रात शहर में चलते हैं, डिनर, डांसिंग, थोड़ी दारू पियेंगे और मस्ती करेंगे, और क्या, तुम्हें जाने का थोड़ा और मौका मिल पाएगा मुझे। इसे अकेले नहीं छोड़ सकते। तुम इसके बारे में मत सोचो, इसे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। क्यों ब्राह्म्स, तुम्हें बुरा लगेगा क्या? नहीं मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, मुझे भी तो मेरा टाइम चाहिए ना, टीवी देखूंगा, नहाऊंगा और जम के मस्ती करूंगा। क्या बात है, हाई फाइव। शायद फिर कभी। हाँ कोई बात नहीं। तो मैं चलता हूँ। ब्राह्म्स, मुझे सुन सकते हो? ब्राह्म्स, इसे खाओ। अगर तुम सच में यहां हो तो प्लीज मुझसे बात करो। बूम! I'm sorry.
arms. Sorry, तुम्हें फिर से बुलाकर परेशान कर रही हूँ. Okay. मैं चाहती हूँ तुम भी वो देखो जो मैंने देखा है. यकीन नहीं होता. क्या है माँ? वो जिंदा है. कौन जिंदा है? ब्राह्म जिंदा है. ब्राह्म, ये क्या कह रही हो तुम? जानती हूँ तुम्हें लग रहा है मैं बेवकूफ हूँ. वैसे मुझे भी इस पर यकीन नहीं हो रहा. मैंने ये सब साफ कर दिया, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ. मुझे यकीन है तुम मजाक नहीं करोगी मेरे साथ, पर समझाओगी कर क्या रही हो तुम? मैं यहाँ चौक से निशान लगा रही हूँ क्योंकि कभी कभी ये बहुत थोड़ा सा हिलता है, और मैं ये सब इसीलिए कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा भी हिले तो हमें पता चल जाए. मैं धोखा नहीं खाना चाहती. यहाँ से माफ कर देते. ओके, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती, ये तुम ही देखना. मैंने पहले इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर ये अजीबोगरीब चीजें पहले भी हो रही थी. मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे चलने की आवाज, मेरा नेकलेस, जूतों का गायब होना, मेरे कपड़ों का गायब होना. फिर मुझे तुम्हारी बात याद आई कि वो बहुत शर्मीला है. वो नहीं चाहता कि कोई उसे देखे. अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो वो अपने होने का एहसास करवाता है. तुम खुद ही देखना. ये किसी तरह की मैजिक ट्रिक होगी, मुझे यकीन नहीं है वो जिंदा है. ओके, ये कोई ट्रिक नहीं है. ओके ब्राह्म्स, हम आ रहे हैं. ओके, देखो ग्रेटा, मुझे लगता है तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है. तुम बहुत ज्यादा थक गई हो इसलिए सब सोच रही हो. दैट्स इट. प्लीज ब्राह्म्स, मैं चाहती हूँ कि वो देखे. मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर मेरे लिए प्लीज, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी. ब्राह्म्स, प्लीज हमें उसे एक और मौका देना चाहिए. अगर ये नहीं हिला तो इसका मतलब मैं पागल हो रही हूँ. बस एक और चांस. ओके ब्राह्म्स, हम जा रहे हैं. ओके. ये ब्राह्म्स कहाँ गया? मुझे नहीं क्या पता. किया उसने? मैं नहीं जानती, वो हर बार अलग करता है. ये गायब हो गया, तुमने सही कहा था. ओ, वो वहाँ है. ओ, यहाँ पहले कभी नहीं आया. मैं हैरान हो गया था. हमें तो ये भी नहीं पता कि हम किसी भूत से या फिर आत्मा से डील कर रहे हैं. किसी तरह का जादू है, टोना टोटका है, या फिर ब्राह्म्स एक बच्चा है. हाँ, बच्चा ही तो है. पर लकी है कि तुम मिल गई उसे. हाँ? पता नहीं इसे लक कहूँ या फिर क्या. मतलब शायद मेरी किस्मत मुझे यहाँ ले आई है. ओके. अतीत के कुछ लोगों की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा. एक था कूल, बहुत बुरा इंसान, और सभी ने मुझे समझाया कि मैं उसे छोड़ दूं, पर उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी और उसने कहा कि वो खुद को बदल देगा. बहुत किड़किड़ाया भी और मैं बात मान गई. फिर एक दिन वो मुझे छोड़कर दोबारा चला गया, एंड मेरी सिस्टर मुझे हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही मैं अपना बच्चा खो चुकी थी. और एक मां होने के नाते शायद मैं वो दर्द समझ सकती हूँ जिससे ये परिवार गुजर रहा है, और शायद यही वजह है कि मैं ब्राह्म से और इस फैमिली से जुड़ी.
तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? या समझ रहा हूं। मैं खुश हूं कि तुम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रही हो। मैं भी। And God bless Malcolm. God bless me. And God bless Bramsey. तुम बहुत प्यारे बच्चे हो Brams. Sweet dreams. Hey. So. तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी है। ये एक्चुअली मेरी मॉम ने खरीदी थी। उनकी चॉइस अच्छी है। जानता हूँ। क्या हुआ? चल क्या रहा है यहाँ पे? इतना लाउड म्यूजिक नहीं सुनते ब्राम्स। तुम एक अच्छे बच्चे हो ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। ओके, तुमने देखा ना क्या हुआ यहाँ? अचानक म्यूजिक चालू हो गया और ये ब्राम्स भी ना। देखो बच्चे जिद्दी होते हैं, शायद ये उसका गुस्सा था। और मैं समझता हूँ तुम क्या सोचती हो उसके बारे में, लेकिन जरा रुको और दूसरा पहलू देखने की कोशिश करो। कोई दूसरा पहलू नहीं है। मैं जानती हूँ यहाँ क्या हो रहा है और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उनके बच्चे का ख्याल रखूंगी। पर हालात ठीक नहीं है ग्रेटा, और कोई बात समझते हैं। उन्होंने मुझे चूज किया है, इसलिए मैं यहीं रहूंगी ब्राह्म्स के साथ। देखो मुझे पहले बताना चाहिए था ये। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूँ ग्रेटा। एक लड़की यहाँ खेलने आया करती थी ब्राम्स के साथ हफ्ते में एक बार, एमिली क्रिप्स। ब्राम्स के जन्मदिन पे वो आई थी एक बार, पर वापस घर नहीं लौटी। पुलिस को उसकी लाश जंगल में मिली थी, उसका सर कुचला हुआ था। पुलिस हील शहर के पास आई थी ब्राम्स से बात करने, लेकिन तब तक ये घर आग के लपटों में घिर चुका था। ग्रेटा यहाँ सब कुछ जलकर राख हो चुका था। हालांकि मिस्टर एंड मिसेस हील शहर बच गए, लेकिन उनका बच्चा ब्राम्स जलकर मर गया। क्या वो लड़की के हथियारे को ढूंढ पाए? नहीं, आज तक नहीं ढूंढ पाए। देखो ग्रेटा, मैं मानता हूँ तुम्हारा यकीन जो भी है, लेकिन ये किसी तरह की आत्मा, भूत या मैं नहीं जानता क्या है। और ये भी नहीं जानता हूँ कि वो अच्छी है या बुरी। पर ये सब महज अफवाहें भी तो हो सकती हैं। और अगर नहीं हुई तो? मुझे यकीन है वो मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा। आई ग्रेटा, ये जगह सेफ नहीं है, समझे तुम? मैं यहां से नहीं जाऊंगी। ओके, अब एक अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। ओके, मैं जानती हूं तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे।
भूख कैसे लगी है? हाँ, मुझे तो लगी है। मालकम, आ जाओ। मालकम, मुझे लगा तुम आज नहीं आओगे। कूल, ये मालकम कौन है? मैं तुम्हें लेटर लिखने वाला था, पर तुम तो जानती हो ना, मैं इन सब फॉर्मेलिटीज में नहीं पढ़ता। तो तुम इसकी देखभाल कर रही हो? हाँ, नाम क्या है इसका? ब्राम्स। तुम मजाक कर रही हो है ना? असली बच्चे की एंट्री थोड़ी देर बाद होगी। यहां कोई बच्चा नहीं है, मुझे इस डॉल की देखभाल के लिए रखा है। क्या बात है, फिर तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। यहां आते समय मैं यही सोच रहा था कि तुम्हें वापस चलने के लिए कैसे मनाऊंगा, तुम्हारे पास तो बच्चा भी होगा, लेकिन यहां तो कुछ और ही मामला है। मैं फेयरव्यू में काम कर रहा हूं एड बर्नर के क्रू के साथ। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक नए होटल का। अब हम सबकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, पता है? वाह, ये अच्छा है कोल, तुम यही तो चाहते थे। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, ये हमारा टिकट है, कल दिन में हम दोनों यहां से निकलेंगे। ग्रेटा, ओह सॉरी, मैं बिना नॉक के अंदर आ गया। नो, दैट्स ओके। ये मालकम है और ये हर हफ्ते यहां ग्रोसरी लेकर आता है। हे, नाइस टू मीट यू टू। तो तुमने क्या क्या कहानियां बनाई हैं इस पुतले के बारे में? देखिए, मुझे किसी के निजी मामलों में दखल देना पसंद नहीं है। स्मार्ट मैन। अच्छा, वो मैं सामान लेकर आया था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज। या श्योर, आई विल बी बैक। ये अचानक कैसे आ गया? पता नहीं कैसे आया। आई होप उसका यहाँ रुकने का इरादा नहीं है। हाँ, मैंने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी, वो मुझे लेने आया है। लेकिन तुम नहीं जाओगे? लेकिन उसने हाथ वात उठाया तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। मेरे पास एक प्लान है, बाकी सब ठीक है। मिल गया, अच्छा लगा। मुझे भी। या, तो चलता हूं मैं। तुम्हारा चक्कर चल रहा है मालकम के साथ? नहीं, मुझे लगा था कि हम एक साथ सोएंगे। नहीं, और ब्लैंकेट्स चाहिए? नहीं नहीं, ठीक है। अब इसके साथ क्या कर रही हो? मैं इसे तुम्हारे सामने से हटा रही हूँ, आई एम श्योर तुम इसे देखना नहीं चाहते। ये काफी डरावना है। हाँ। सुनो ग्रेटा, जो कुछ भी हो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे बस ये जानना है कि तुमने मुझे माफ किया या नहीं, मैं बस एक बार सुनना चाहता हूँ। नहीं किया ग्रेटा, ठीक है, लेकिन एक बात तुम अच्छे से जान लो,
तुम मुझे नहीं छोड़ोगी और मैं भी तुम्हें जाने नहीं दूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तुम समझ रही हो? ठीक है, अपना सारा सामान अच्छे से पैक कर लेना। ओके, ऑलराइट। डरो मत फ्रांस, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बस तुम्हारी हेल्प चाहिए। ग्रेटा, कहाँ हो तुम? ग्रेटा, कोल क्या हुआ? मेरे साथ गेम खेल रही हो? इधर आओ। क्या ये? हाँ, ये तुमने लिखा? ये मैंने नहीं किया। झूठ मत बोलो मुझसे, ये तुमने ही लिखा है ना? और कौन है इस घर में हमारे अलावा? ये डॉल, इस डॉल ने लिखा है ये सब? मुझे ये बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है ग्रेटा। ओके फाइन, मानता हूं तुमने नहीं लिखा, ये इसने लिखा है, इसे मुझे दो। लाओ दो, चल। नहीं, मुझे ये डॉल दो ग्रेटा, सुना नहीं? कहां जा रही हो? मैंने कहा ना ये डॉल मुझे दो। ग्रेटा मैं कह रहा हूं देखो ग्रेटा, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा, अब चुपचाप मुझे डॉल दे दो। नहीं ग्रेटा, कहा ये डॉल मुझे दो। ए, क्या हो रहा है ये? चल निकल यहां से। सब चाहते हैं कि मैं यहां से चला जाऊं, है ना? तुम ठीक हो? कहीं तुमने तो नहीं लिखा वो मैसेज मेरे लिए? हाँ बोलो, या तुम भी कहोगे कि ये इस डॉल का काम है? ग्राम्स ने क्या किया ग्रेटा? कूल, तुम नहीं जानते यहाँ क्या चल रहा है। हाँ तो बताओ ना, एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है? ग्राम्स को छोड़ो, ऐसी क्या खास बात है इस कोठरी में? हाँ कूल प्लीज बोलो। कूल, कूल। ठीक है। ये कैसी आवाज है? मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, ग्रेटा फौरन निकलना होगा। देखो मैं चलना चाहिए यहां से।
इसकी बेटी। Oh my God! ये तो ब्राह्म से ये नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, भागो। चलो निकल। जरूरत का सारा सामान है। वो यहीं रह रहा था। मैं बाहर का रास्ता ढूंढता हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरी ही ड्रेस है और मेरे बाल भी। ग्रेटा, बाहर का रास्ता मिल गया। वो मुझ पर नजर रख रहा था। नो ओके कम ऑन, हमें चलना होगा। हम वापस नहीं आएंगे, ये लड़की तुम्हारा ख्याल रखेगी। वो लोग अभी हम कभी वापस नहीं आएंगे। Come on, ये चिची वो अपने बेटे के लिए लेके गए थे। Come on, चलो चलो, छोड़ो ये, हमें जाना होगा। ये नीचे जाने का रास्ता है।
रास्ता ये, चल चल। ये बाहर का रास्ता है। Come on, Greta, खोलो उसे। ये ऐसे नहीं खोलेगा मालकम। तुम कहाँ जा रहे हो? वो आ रहा है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाओ, तुम जाओ Greta, जाओ। Come on, रुक, रुक जाओ। मालकम। Greta, yahan aao. Oh my God. मेरे पास वापस आओ, आओ मेरे पास, मेरे पास वापस आओ, माफ करो मुझसे, तुम मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकती ग्रेटा, वापस आओ। मैं वापस आ गई हूँ ब्राह्मस। मैंने कहा था ना मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी। मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। ब्राह्मस, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया। तुमने सुना नहीं ब्राह्मस, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया। आओ चलो। तुम रूल्स जानते हो। उसे नीचे रख दो ब्राह्मस। चलो अब सो जाओ। कोई शरारत नहीं। अब एक अच्छे बच्चे की तरह आराम से सो जाना, ठीक है? आज रात किस नहीं ब्राह्मस, ये तुम्हारी पनिशमेंट है आज की। ओके, किस। Oh, my God.
Malcolm!